दोस्तों आप सभी का स्वागत है ट्राइटेक स्टफ के इस चैनल पे, और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स की, जिसकी प्राइस कुछ 17,000 है। ये एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और अभी दो दिन पहले ही फ्लिपकार्ट पे एक डील चल रहा था जब मैंने इसको बाय किया है एक्सचेंज के साथ प्लस एक्सिस बैंक के 10% के डिस्काउंट के साथ। तो ये फ़ोन मुझे पड़ा कुछ 10,000 का, क्योंकि मेरे पास एक लिनोवा की फ़ोन थी जो मैंने 3 साल पहले 7,000 में खरीदी थी, जिसका बाई बैक मुझे कुछ 4,200 रुपये मिली। सो मुझे लगता है ये 10,000 में बहुत ही वर्थ फ़ोन है। सैमसंग एक वेल नोन ब्रांड भी है और नेवर माइंड का एड भी है, तो अब मैं भी इसको लेके घूम सकता हूँ। गिरेगी फ़ोन तो मुझे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए पैकेट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस पैकेट के अंदर सैमसंग ने और क्या दिया है। लिनोवा के पैकेट में तो क्या होता था कि हमें कभी भी हेडसेट भी नहीं मिलते थे। अभी पता नहीं इस फ़ोन में हेडसेट है कि नहीं है, वो हमें अभी पता चलेगा जब हम इसको तो ये रहा फोन पैकेट से बाहर। इसकी बॉक्स को मैं नीचे रख देता हूँ, और ये है गैलेक्सी ऑन मैक्स, जिसके ऊपर एयर बबल्स भी डाल रखे हैं इन्होंने। तो इसको भी हम लोग खोल देते हैं, और ये है पैक्ड फोन है सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स। नेवर माइंड एड, फर्स्ट टाइम आई लाइक द एड ऑफ एनी फोन, सो इसलिए मैं नेवर माइंड बार बार बोल रहा हूँ आपको। ये फ़ोन जो है सैमसंग प्ले मिनी को भी सपोर्ट करती है। इसका फ्रंट एंड बैक का जो कैमरा है दोनों ही 13 मेगापिक्सल का है एक्चुअली, और इसमें जो रैम है वो 4GB, जो कि काफ़ी सफिशेंट है आज के फोन्स में। और 32GB का इंटरनल मेमोरी इन्होंने दे रखा है, जो एक्सटेंडेबल है, एक्सटेंड कर सकते हैं आप 256 तक। और बैटरी बैकअप भी मुझे लगता है फ़ोन अच्छी देगी, क्योंकि इसमें 3300 mAh का बैटरी लगा हुआ है, और सैमसंग केनॉक्स भी सपोर्ट करती है। तो कोई अगर आप चाहें तो इसमें ब्लैकबेरी की तरफ सिक्योरिटी इनेबल भी कर सकते हो, और ब्लैकबेरी के सर्विसेज को भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे अगले वीडियो में आपको बताऊँगा नॉक्स किस तरह से बेनिफिशियल है। अभी तो आज हम अनबॉक्सिंग का मज़ा लेते हैं। सो फ़ोन देखने में अच्छा लग रहा है, कुछ बार कोड्स इसमें दिए गए हैं, और इधर फ़ोन का जो ऑन MRP है वो है 19,900, पर मैंने आपको कहा कि आज मैंने इसको मात्र 10,000 में बाय किया है फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस फ़ोन को देख के बाई बैक भी लिया है एक्चुअली। और अब हम इसको ओपन करते हैं। सभी हमने इसको खोल दिया है, इसके ऊपर के कैप को हम निकाल देते हैं बाहर। ये प्लास्टिक बाहर यहाँ पर लिखा है इंडियन सिम कार्ड ओनली। सो इंडियन सिम कार्ड ओनली, नॉट श्योर कि सिर्फ इंडिया के सिम को ही सपोर्ट करेगी और इंटरनेशनल को नहीं करेगी, पर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, कुछ कॉशन भी दिए हुए हैं। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा मेरे अगले वीडियो में ये कैसा सपोर्ट। सो आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर किया है, और फोन के पैकेट को बाहर लाया जाए। सो इसके अंदर ये एक पैकेट है, डब्बा, ये इसका चार्जर दिया उन्होंने, और ये ट्रैवल एडेप्टर है। मुझे लग रहा था ये फास्ट चार्जर होगा, पता नहीं, सैमसंग का चार्जर तो है, अब ये फास्ट है कि नहीं मैं देखूंगा। इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा नहीं कि ये फास्ट चार्जर है। और फाइनली उन्होंने एक हेडसेट भी दिया जो मुझे कभी लिनोवा के फ़ोन में नहीं मिलता था, और इसके अंदर एक पिन है जिससे आप सिम को बाहर निकाल सकेंगे स्लॉट से। और ये हमेशा की तरह कुछ मैनुअल्स, पेपर्स, जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हो, वरना आप भी ऐसे ही कचड़े में फेंकते होंगे, मैं भी फेंकता हूँ। सो ये है फ़ोन, देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है,
कुछ लग रहा है कर्व की तरह है, दूर से देखे तो ये आईफोन की तरह भी दिखता है पर है नहीं। तो इसके इस प्लास्टिक के कैप को ओपन करते हैं। पैकिंग काफ़ी अच्छी की गई है। सो ये है फोन दोस्तों आपके सामने सैमसंग की, जिसमें पीछे भी लिखा 32 GB सपोर्टेड है। सैमसंग का लोगो भी काफ़ी प्यारा दिख रहा है। फ़ोन काफ़ी स्लिम है, इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन है। ये सिम का स्लॉट लग रहा है और ये किस चीज़ का स्लॉट पता नहीं, देखेंगे। ये बैक फॉरवर्ड सेव और ये ऑन का बटन है। आई थिंक इसकी भी बैटरी हम निकाल नहीं सकते, तो चलिए ऑन करके देखते हैं। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, फोन ऑन हो चुकी है। सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स पावर्ड बाय एंड्रॉइड। सो दोस्तों आप देख सकते हैं फोन को कॉन्फिगर कर दिया और मैं नोटिफिकेशन भी आने लग गया मुझे फोन पे। सो फोन को हम फोन की थोड़ी टेस्टिंग करते हैं। फ़ोन का लुक एंड फील तो काफ़ी प्यारा दिख रहा है मुझे, और जो सेम एंड्रॉयड के ऑप्शंस होते हैं वही हैं। ऐप डाउनलोड होने लग गए हैं, नोटिफिकेशन टॉप पे आ रहे हैं, सेटिंग्स ऊपर हैं। एज़ इन्होंने कहा है कि 13 MP का कैमरा फ्रंट एंड बैक है। सो अगर बैक की फ़ोटो लेके देखें कैसी आती है, तो काफ़ी क्लियर पिक्चर आ रही है और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है जो हम देख सकते हैं। चलिए इस बार हम फ्रंट की कैमरे के टेस्टिंग करते हैं कि फ्रंट का कैमरा कैसा आता है। तो फ्रंट का कैमरा कुछ ऐसा लाइट है जैसा वैसा आ रहा है। तो हम लोग इसकी फ़ोटो निकाल के देखते हैं। ये फ़ोटो आ चुकी है और क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, तो कैमरा काफ़ी अच्छा लग रहा है। साउंड म्यूज़िक सिस्टम्स अच्छे ही होंगे और इसमें काफ़ी ऐप्स है, तो बाकी और मैं सब एक्सप्लोर करूंगा और फिर मैं आपको इसकी नई वीडियो दूंगा जिसमें इसका कंप्लीट रिव्यू बताऊंगा कि फ़ोन कितने अच्छे से परफॉर्म की, कितना बैटरी बैकअप देती है, जो मैं नेक्स्ट वीक में अपलोड करूंगा। पर लुक एंड फील और वेटेज में फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल को, अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।